दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट्स के बारे में जो कि काफी ज्यादा मजेदार रहेंगे इस्तेमाल करने में। हो सकता है आपने आज से पहले इस तरीके के गैजेट्स ना देखे हों, लेकिन इनके यूजेस काफी ज्यादा रहते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो शुरुआत करते हैं अपनी सीरीज की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। नंबर 10, वेव। दोस्तों ज़्यादातर हम अपने कंप्यूटर्स या फिर टैबलेट जैसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड या फिर माउस का, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं वो कंट्रोलिंग के लिए तो बेहतर रहते हैं लेकिन आपको रिमोट एक्सेस नहीं देते। यानी कि अगर आप दूर से अपने कंप्यूटर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कीबोर्ड माउस में ये ऑप्शंस नहीं होते। तो यहां पर आप ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके की छोटी सी रिंग को, जो कि काफी बेहतर रहेगी और कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए बेहद कमाल का गैजेट होता है। दोस्तों ये एक ऐसा गैजेट रहेगा जिसे खास तौर पर ऑनलाइन मीटिंग वगैरह के लिए बनाया गया है, जिससे कि आसानी से आप अपने कंप्यूटर को कमांड देकर इससे अपनी कॉल को म्यूट कर सकते हैं, अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं या फिर और भी बहुत सारे फीचर्स को इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों प्रेजेंटेशन के लिए भी ये चीज बेहद बेहतर रहेगी, जिससे कि आप आसानी से अपनी स्लाइड को चेंज कर सकते हैं। इस छोटी सी रिंग में आपको एक डिस्प्ले भी दे रखी होती है, जिससे कि कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग और भी आसान हो जाती है। तो दोस्तों बेहद कमाल की चीज रहेगी, जिससे कि आसानी से आप अपने कंप्यूटर या फिर टैबलेट जैसी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि खास बनाते हैं इस रिंग को। नंबर 9, योर 2। दोस्तों गेमिंग की दुनिया इतनी बड़ी है कि अगर आप इसे फील करने पर आ जाएंगे तो आपको एक से बढ़कर एक ऐसे गैजेट मिल जाएंगे जो कि गेम को रियलिटी के साथ आपको फील करा सकते हैं। दोस्तों ये गैजेट भी कुछ ऐसा ही होता है, जो कि दरअसल है तो एक तरीके की चेयर ही, लेकिन इसमें काफी सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि आपकी गेमिंग को एक हद तक रियलिटी में चेंज कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की मोशन एक्टिवेटेड चेयर होती है कि जब आप इस पे बैठकर गेमिंग करेंगे तो आपको सारे इम्पैक्ट फील होंगे अपनी बॉडी पर। यानी कि अगर आप कार चला रहे हैं, आपको झटके लगने हैं, तो ये सब कुछ फील कर पाएंगे इस चेयर पे बैठ के। साथ ही अगर आप एयरक्राफ्ट वाले गेम खेल रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको फील होगा कि जब आप टेक ऑफ करेंगे तो इस चेयर की डायरेक्शन एकदम ऊपर की तरफ चली जाती है। यानी कि ये आपको रियलिटी देने की बहुत हद तक कोशिश करता है। इसमें आपको वीआर लगाकर गेमिंग करनी होगी, जिससे कि आप बिल्कुल रियलिटी में चले जाते हैं उस गेमिंग की। तो इस तरीके का गैजेट गेमिंग करने वाले लोगों को काफी पसंद आएगा, जिसमें कि वो बहुत ही डीपली जाकर गेम को फील कर सकते हैं। नंबर 8, एयर ब्रिल। दोस्तों गर्मी को दूर भगाने के लिए हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं एसी कूलर्स वगैरह का, लेकिन हर जगह ये हमेशा आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से पोर्टेबल गैजेट को, जो कि खास तौर पर पर्सनल कूलिंग के लिए बनाया गया है। एक छोटी सी बॉटल जैसा दिखने वाला ये गैजेट में आपको डालनी होती है बर्फ, जिसमें कि अंदर की तरफ एक छोटा सा फैन लगा होता है, और जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो आपको ठंडी ठंडी ये हवा काफी देर तक देता रहेगा। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर आपका ऑटो टाइमर भी लगा होता है, जिससे कि ये खुद ब खुद 20 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। और इसके साथ काफी तरीके के अटैचमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप विंड डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों पर्सनल कूलिंग के लिए काफी बेहतरीन रहेगा, जिससे कि आप अपनी ट्रैवल में इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही अगर आप अपने ऑफिस में ले जाना चाहते हैं तो वहां पर भी ये आपके लिए छोटे से मिनी कूलर की तरह काम करेगा। नंबर 7, एक्सट्रीमिस्ट। दोस्तों गर्मियों की जो दोपहर होती है उसमें रूखापन हवा में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप किसी ट्रैवल पर जाते हैं, किसी एडवेंचर ट्रिप पर जाते हैं, तो वहाँ पर धूप लगने की वजह से अक्सर जो आपकी स्किन है वो काफी ज्यादा रूखी हो जाती है। तो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि आपकी आसपास की हवा को नम बनाए रखने का काम करेगा और भी पर्सनल कूलिंग सिस्टम की तरह काम करेगा। दोस्तों दरअसल ये एक तरीके का ऐसा मिस्ट फैन होता है, जिसमें कि पानी की फुहारे काफी तेजी से निकलते हैं, जो कि आपको ठंडी ठंडी हवा का एहसास कराएंगे। ये गैजेट साइज वाइज भी बेहद छोटा होता है, जो कि आपके बैकपैक में आसानी से आ जाएगा, जिसे कि आप कहीं भी जाते वक्त इस्तेमाल कर सकेंगे। नंबर 6, जेड बॉयल। दोस्तों अगर आप एक ऐसी ट्रिप पर जा रहे हैं जो कि आपके लिए बेहद चैलेंजिंग होने वाली है, तो इस गैजेट को आप अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पर खाना पानी की काफी ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसे में आपको जुगाड़ से काम चलाना पड़ता है, तो यहां पर ये इस तरीके का छोटा सा बॉयलर आपकी काफी मदद करेगा, जिससे कि आप सिर्फ 100 सेकंड के अंदर चाय कॉफी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इसकी खास बात ये रहेगी, इसे खास तौर पर ट्रैवलिंग पर्पस बनाया गया है, जिससे कि कहीं भी आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। साइज वाइज देखा जाए तो ये एक बॉटल के साइज का होता है, जिससे कि आसानी से यह आपके बैकपैक में आ जाएगा और आप जब चाहें इससे आसानी से पानी उबाल कर पी सकते हैं या फिर चाय कॉफी तैयार कर सकते हैं। तो बेहद कमाल की चीज रहेगी, अगर आपके पास नूडल्स हैं तो वो भी आप इससे आसानी से तैयार कर पाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस तरीके का गैजेट हमें कमेंट करके बताएगा, और हाँ दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि इसी तरीके के गैजेट मैं आपको वहां पर भी दिखाता रहूं। नंबर 5, फिट्जी पेन 2.0। दोस्तों पेन एक ऐसी चीज होती है जिसकी जरूरत हमें दिन में कभी ना कभी तो पड़ ही जाती है। बहुत सारे ऑफिशियल लोग हमेशा अपनी जेब में पेन रखते हैं, जिससे कि जहां भी जरूरत पड़े वो उसे इस्तेमाल कर पाएं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने पास एक छोटा सा पेन रखना चाहते हैं, जिससे कि आप हमेशा अपने साथ लेकर चल सके, तो ये पेन आपको बेहद इंटरेस्टिंग लगेगा। दोस्तों पेन का इस्तेमाल ना सिर्फ लिखने के लिए किया जाता है, बल्कि ये एक स्टेटस सिंबल को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी कि पेन जितना लग्जरी होगा, वो चीज कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहां पर ये पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि देखने में काफी बेहतरीन लगता है। इसकी पूरी
पूरी बॉडी मेटालिक होती है और साथ ही इसके ऊपर की तरफ एक छोटा सा स्पिनर लगा रहता है जिससे कि आप गोल गोल घुमाकर इससे टाइम पास भी कर पाएंगे। साथ ही एक छोटा सा स्विच भी इसमें आपको देखने को मिलेगा जो कि कहीं ना कहीं होता तो एक तरीके का टाइम पास ही है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने में ये आपकी मदद करता है। ये पेन एक जेल पेन होता है जिससे लिखने का कुछ मजा ही अलग होगा। तो अगर आप भी चाहें तो इस तरीके के पेन को ट्राई कर सकते हैं जो कि आपकी जेब में तो खूबसूरत लगेगा ही लगेगा, साथ में इस्तेमाल करने में भी उतना ही मजेदार रहेगा। नंबर 4, फिल्मैटिक आउटडोर प्रोजेक्टर। दोस्तों, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल तो ज्यादातर ऑफिसर्स वगैरह में किया जाता है या फिर थिएटर्स में होता है जिससे कि आप मूवीज वगैरह एंजॉय कर पाए। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक ऐसा प्रोजेक्टर चाहते हैं जिसका इस्तेमाल आप एक पर्सनल थिएटर बनाने में कर सकें, तो दोस्तों ये एक तरीके का पोर्टेबल आउटडोर प्रोजेक्टर होता है जिसका इस्तेमाल आप किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक छोटी सी स्क्रीन मिल जाती है जिसे कि आप कहीं भी सेटअप कर पाएंगे और आसानी से इससे मूवीज या फिर गेम्स का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक बिल्ट इन स्पीकर भी होता है, साथ ही एक बिल्ट इन टॉर्च भी होती है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में या फिर किसी ट्रैवलिंग वगैरह में आपके लिए मददगार साबित होगी। इसे आप अपने मोबाइल फोन से कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि मूवीज या फिर बहुत सारे एप्स भी इस्तेमाल कर पाएंगे इस प्रोजेक्टर के। तो दोस्तों, बड़ी ही हाईटेक चीज होती है जो कि एंटरटेनमेंट का एक वे ही चेंज कर सकती है जिससे कि बहुत जल्द घरों में टीवी की जगह इस तरीके के छोटे छोटे प्रोजेक्टर इस्तेमाल किए जाएंगे। नंबर 3, एयर बार। दोस्तों, कंप्यूटर में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें कि कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, जिसे कि जनरली आप माउस से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप सोचते हैं काश इसकी डिस्प्ले टच स्क्रीन होती तो कहीं ना कहीं चीजों को कंट्रोल करना ज्यादा आसान होता। हालांकि आजकल टच स्क्रीन वाले लैपटॉप भी आ रहे हैं लेकिन वो काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं। तो यहाँ पर आप ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को जो कि आसानी से आपके नॉर्मल लैपटॉप को ही एक टच स्क्रीन लैपटॉप में चेंज कर देगा। दोस्तों, इसे आपको अपनी लैपटॉप की डिस्प्ले के नीचे की तरफ लगा देना होता है जिसके बाद ये एक छोटी सी लाइटिंग बीम क्रिएट कर देता है आपके एक लैपटॉप की स्क्रीन पर, जैसे कि अगर आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को टच करते हैं तो ये ठीक वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी जैसे कि आपका लैपटॉप टच स्क्रीन वाला हो। दोस्तों, ये गैजेट प्लग एंड प्ले सिस्टम पर काम करता है, बस इसे आपको अपने कंप्यूटर पर लगाना होगा जिसके बाद आपको कोई सॉफ्टवेयर या फिर कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे कि आपको काफी ज्यादा सरदर्द हो। तो बस इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान सा रहेगा जो कि चुटकियों में आपके लैपटॉप को एक टच स्क्रीन लैपटॉप में कन्वर्ट कर सकता है। नंबर 2, क्लीन टच। दोस्तों, अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे आपको आज ही इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। इसके पीछे वजह ये होती है कि आप सभी को पता है कि कोविड कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में चीज सामान को छूने में हमें अंदर से डर सा लगने लगा है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जिन्हें दिन भर में आपको टच करना ही होता है, जैसे कि डोर हैंडल हो गए या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई। तो यहाँ पर आप ट्राई कर पाएंगे इस तरीके की गैजेट को जो कि काफी बेहतर रहता है इस काम के लिए। दोस्तों, दरअसल ये एक ऐसा गैजेट होता है जिसे कि आपको अपनी उंगलियों में फंसाना होगा जिससे कि किसी भी चीज को अगर आप टच करना चाहते हैं तो इससे आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक हुक जैसा गैजेट होता है जैसे कि अगर आपको कोई चीज सामान उठाना पड़े तो इसकी मदद से आपको ग्रिप भी मिल जाती है। साथ ही इसमें एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर भी होता है जिसका इस्तेमाल आप इमरजेंसी सिचुएशन में कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस छोटी सी गैजेट को खरीदना तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे जो कि काफी हद तक एक मल्टीपर्पज गैजेट है जिसका इस्तेमाल आप एक कीरिंग के तौर पर भी कर सकते हैं। नंबर 1, ऑक्टो प्लस। दोस्तों, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर आपके पास काफी सारा डेटा है जिसे कि आप बैकअप करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसके लिए तो हम हार्ड ड्राइव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको उनमें डेटा बैकअप करने के लिए आपको एक गैजेट की जरूरत पड़ती है, फिर वो आपका लैपटॉप ही क्यों ना हो, जिसकी मदद से आप अपने मेमोरी कार्ड को या फिर अपने फोन का बैकअप तैयार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसा गैजेट होता है जहां पर आपको किसी कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती डेटा ट्रांसमिशन में, बस आप अपने एसडी कार्ड या फिर अपने मोबाइल फोन को इससे अटैच कर दीजिए जिसके बाद ये सेकंड्स में आपके डेटा का पूरा बैकअप तैयार कर लेगा जो कि काफी फास्ट स्पीड में किया जाता है। दोस्तों, इसमें डुअल एसएसडी का सपोर्ट दे रखा होता है जहां पर आपको 4 TB का स्टोरेज मिल जाएगा जिससे कि बैकअप काफी हद तक आसान रहेगा। वहीं दोस्तों, इसमें आप मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ बैकअप कर सकते हैं। इसमें एक छोटी सी इनबिल्ट डिस्प्ले भी होती है जहां पर आपको डेटा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों, डेटा की सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको ट्रांसकोडिंग के भी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जो कि काफी हद तक सिक्योर बना देते हैं इस डिवाइस को। तो कैसी लगी है आपको ये छोटी सी डिवाइस, कमेंट करके हमें जरूर से बताएगा। और वहीं दोस्तों, वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।